हाय फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट राज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नए आईपीओ के बारे में। इससे पहले अगर फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट अपडेट, डिविडेंड अनाउंस, बोनस इशू, शेयर स्प्लिट तथा फाइनेंशियल रिजल्ट एंड आईपीओ की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं और इस आईपीओ के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आईपीओ की जो ओपनिंग डेट है वो 21 दिसंबर है और जो इसकी क्लोजिंग डेट है वो 23 दिसंबर है। यानी आपके पास 3 दिन है, 21, 22 और 23। इन 3 दिनों में आप इस आईपीओ में अलॉटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इशू टाइप है वो इसका बुक बुलेट इशू आईपीओ है। और जो फ्रेंड्स इसकी फेस वैल्यू है वो इसकी फेस वैल्यू है 10 पर इक्विटीज है। और आईपीओ प्राइस है वो आईपीओ प्राइस है 205 से 216 पर इक्विटी शेयर। यानी आप 205 से 216 के बीच में आप इसमें बिड लगा सकते हो। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसका जो मार्केट लॉट है, मार्केट लॉट 69 शेयरों का है और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 69 शेयर हैं। और आप ये लिस्टिंग BSE और NSE पर लिस्ट होगी। इशू साइज है वो 1100 करोड़ का इशू साइज है। और 1100 करोड़ का इशू साइज लेके आई है कंपनी और 1100 करोड़ का ओपरोप सेल है। फ्रेंड्स ये देखिए, कंपनी 1100 करोड़ का ओपरोप सेल लेके आई है। और इसमें जो QIB है उसका कोटा 50% है और रिटेल का कोटा 35% है और NII का कोटा 15% है। तो फ्रेंड्स रिटेल का कोटा है वो ध्यान रखिए 35% है, यानी 35% रिटेल के इन्वेस्टर इसमें बिड लगा सकते हैं और उनको बिड मिलेगी, 35% को बिड मिलेगी फ्रेंड्स इसमें। और इसमें हम बात करते हैं, देखिए जो ये CMS इन्फो आई सिस्टम है उसका जो टाइम टेबल है वो इस प्रकार से है। देखिए इसका जो टाइम टेबल है वो 21 दिसंबर को तो आईपीओ ओपन होगा, 23 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा और 31 दिसंबर को मार्केट में धंधा चालू हो जाएगा। कंपनी BSE और NSE पर लिस्ट हो जाएगी 31 दिसंबर को। डीमैट अकाउंट में आप बाय सेल कर सकते हो 31 दिसंबर को। और इसकी महत्वपूर्ण डेटों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये जो ओपन होगा वो 21 दिसंबर को होगा और आईपीओ क्लोज होगा 23 दिसंबर को। और बेसिक अलॉटमेंट डेट्स 28 दिसंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपका आईपीओ लगा है कि नहीं लगा है। अगर आपका आईपीओ लगा होगा तो आपके डीमैट अकाउंट में 30 तारीख को शेयर आ जाएंगे, अगर नहीं लगा होगा तो 29 तारीख को आपके खाते में पैसा चला जाएगा। यानी डिपेंड डेट 29 दिसंबर है और डीमैट अकाउंट में क्रेडिट शेयर हो जाएंगे 30 दिसंबर को और आईपीओ लिस्ट हो जाएगा 31 दिसंबर को। तो फ्रेंड्स ये इसकी महत्वपूर्ण डेटें हैं, यानी 21 दिसंबर से 31 दिसंबर यानी 10 दिन तक ये इसका कारोबार ऐसे ही चलता रहेगा, इसका सिस्टम चलता रहेगा और कारोबार इसका चलेगा 31 दिसंबर को। और देखिए फ्रेंड्स ये KEMS इन्फो सिस्टम आईपीओ लोड साइज, हम अब लोड साइज के बारे में बात करते हैं। द CMS इन्फो सिस्टम आईपीओ मार्केट लोड साइज 69 शेयरों के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ए रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैन अप्लाई फ्रॉम 13 लोड्स और 897 शेयर और उसमें 1,93,752 रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यानी आप इसमें मिनिमम 1 लोड के लिए अप्लाई कर सकते हो और 69 शेयर आएंगे उसमें और उसमें 14,904 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आप मैक्सिमम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें 13 लोट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और 897 शेयर आएंगे और उसमें 1,93,752 रुपये का आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब हम इसके बारे में और जान लें। देखिए KEMS इन्फो सिस्टम आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग, इसमें प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ से पहले 100% थी तथा आईपीओ के बाद इसमें 65.59% ही रह गई। यानी प्रमोटर अपनी होल्डिंग घटा रहा है और अपना जो शेयर है वो बेच रहा है। तो इस प्रकार से ये KEMS आईपीओ के बारे में फ्रेंड्स अपन ने जाना। और इसका जो आईपीओ रिव्यू है उसके बारे में भी देख लेते हैं। एक्सेस कैपिटल ने इसमें नॉट रिएक्टेड, मतलब कोई इसमें कमेंट नहीं की है। और दीपेंद्र हुड्डा ने इसमें अप्लाई की राय दी है और जो TopShareBroker.com ने इसमें अप्लाई की राय दी है। इस प्रकार से यह आईपीओ है CMS कंपनी का। देखिए फ्रेंड्स ये इसका रेवेन्यू का चार्ट है जिसमें यह बताया गया है कि 2019 में कंपनी ने 1159 करोड़ रुपए कमाए थे
और 2020 में यह बढ़कर इसकी कमाई 1388 करोड़ हो गई। 2021 में यह थोड़ी घटी है और 1322 करोड़ ही रह गई। पर फ्रेंड्स, कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 2021 में कोरोना का पेंडेमिक भी था, इस वजह से इसका रेवेन्यू घटा है। और हम इसके प्रॉफिट के बारे में फ्रेंड्स बात करते हैं, तो देखिए इसका जो प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ता हो पाया गया है। और 2019 में इसका जो प्रॉफिट था वो 96.14 करोड़ था, 2020 में वह 135 करोड़ हो गया और 2021 में वह बढ़कर 169 करोड़ हो गया। यानी प्रॉफिट लगातार 2019, 20 और 21 में लगातार बढ़ता हो पाया गया और ये ग्रोथ रेट है इसकी। देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी लगभग बढ़ ही रहा है। फ्रेंड्स, चैनल को लाइक कर दें तथा सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का घंटा दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।